दिग्विजयनाथ पीजी कॉलेज से राष्ट्रीय सेवा योजना के तत्वावधान में स्वच्छ भारत मिशन के तहत महानगर में प्रभाती फेरी निकाली गई, जिसके संबंध में गोरखपुर विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर सतपाल सिंह ने बताया कि सेवा योजना के विद्यार्थियों के द्वारा दिग्विजयनाथ कॉलेज से स्वच्छ भारत मिशन के तहत प्रभात फेरी निकाला गया, जो कि महानगर के विभिन्न चौराहों से होते हुए वापस आकर कॉलेज में समाप्त हुआ है। प्रभात फेरी के माध्यम से लोगों को स्वच्छता का संदेश दिया गया है, जिससे हमारा शहर स्वच्छ और सुंदर बन सके। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए गोरखपुर विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर सतपाल सिंह ने कहा। मैं डॉक्टर सत्यपाल सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर अर्थशास्त्र विभाग, दीनदयाल उपाध्याय, गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर। ये दिग्विजयनाथ कॉलेज के आज राष्ट्रीय सेवा योजना के विद्यार्थियों के द्वारा स्वच्छ भारत अभियान के तहत ये झांकी निकाली जा रही है, और इससे समाज में एक संदेश देना है कि अगर भारत का सर्वांगीण विकास करना है तो उसमें स्वस्थ भारत, स्वच्छ भारत, इन सबों को कहीं हम स्किप करके, इनको छोड़ करके भारत के सर्वांगीण विकास की हम कल्पना नहीं कर सकते। और इसके लिए युवा शक्ति जो है बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रखती है। तो हमारे NSS के जो कार्यकर्ता हैं, स्वयंसेवक हैं, ये समाज को आज अपने रैली के माध्यम से ये संदेश देंगे कि किस प्रकार से हम स्वच्छता के माध्यम से समाज को आगे बढ़ा सकते हैं।